हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे नगरीय भूगोल में किस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। इससे पहले भी एक वीडियो इस टॉपिक से संबंधित बनाया गया है, जिसमें ये जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग समय में अलग अलग युगों में किस प्रकार से नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। इसी कड़ी में आज जो विश्व में नगरों का उद्भव एवं विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यह है प्रागैतिहासिक या उत्तर पाषाण काल के बारे में अध्ययन है। इस वीडियो को भी दो भागों में बनाया गया है और आज हम पार्ट फर्स्ट का अध्ययन जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। प्रागैतिहासिक युग जो है ये 700 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यह नगरीय विकास की दूसरी पीढ़ी के रूप में है। इससे पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के समय विकसित नगरों का लगभग पतन हो चुका था अथवा वे अपने विकास के अंतिम दौर में पहुंच चुके थे। यानी कि इससे पहले भी कुछ नगरों का विकास जो है हो चुका था, लेकिन वो आकार में छोटे थे और नदी घाटियों के किनारे पर स्थित थे। उनका लगभग जो पतन जो है वो हो चुका था। इस अवधि में नगरीय जीवन का प्रचार यूरोप के पश्चिमी किनारे से लेकर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तक हो चुका था। यानी कि इसका जो फैलाव था वो यूरोप के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तक इसका फैलाव हो चुका था। दक्षिण पश्चिम एशिया, यूरोपीय रूस, भूमध्य सागर के समीप स्थित देशों में नगरीय जीवन का प्रसार धीरे धीरे होने लगा था। इन प्रदेशों में नगरीय सभ्यता का विकास होने के पश्चात यह सभ्यता चीन, पूर्वी एशिया व मध्य अमेरिका में भी विकसित हो चुकी थी। यानी कि इस काल में हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग विश्व के सभी भागों में मानव सभ्यता फैल चुकी थी और वो संगठित होकर अधिवास के रूप में विकसित होने लगे थे और लगभग सभी प्रदेशों में नगरों का जो विकास है वो होने लगा था। यहाँ हम ये देख सकते हैं फोटो में कि किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है अपने घर बनाकर रहता था। आगे हम देखते हैं कि इस बात पर साधारण सहमति है कि इस युग में बड़ा परिवर्तन खाद्यान्न उत्पन्न करने के पश्चात हुआ। यानी कि इस युग तक लोगों ने खेत में अनाज उत्पादन जो है वो करना प्रारंभ कर दिया था, तथा साथ ही उत्तर पाषाण युग में मानव ने खेती करना, बच्चों को पालना भी शुरू कर दिया था। इसी समय वह एक स्थान पर सामाजिक भावना के साथ परिवार के रूप में भी रहने लगा था। इस तरह से इस कृषक समुदाय ने सुरक्षा की भावना के साथ रहकर ग्रामीण अर्थात बस्तियों के निर्माण में अपना योगदान दिया। यानी कि कृषि के साथ साथ ही सामाजिक भावना उसके अंदर विकसित हुई और वो परिवार के रूप में एक जगह पर रहने लगा था। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में नगर निर्माण का यह महत्वपूर्ण युग था, जिसमें नगरीय जीवन का प्रचार देश के सभी भागों में होने लगा था। यानी कि भारत में भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पर धीरे धीरे नगरों का जो बसाव है उनका उद्भव है वो प्रारंभ हो गया था। भारत में प्रागैतिहासिक काल का उत्तर हड़प्पा काल 1000 वर्ष अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह समय भारतीय इतिहास का अंत युग भी माना जाता है, क्योंकि इस समय घटित होने वाली घटनाओं के प्रमाण नहीं मिलते हैं। यानी कि इस समय कुछ ऐसा भी हुआ कि बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन उनके कोई प्रमाण जो है नहीं मिलते हैं, इसलिए इसे अंधयुग के नाम से भी जाना जाता है।
वी गॉर्डन चिल्ड ने इस बड़े परिवर्तन को नगरीय क्रांति अर्थात अर्बन रिवॉल्यूशन कहकर पुकारा। अर्थात इस समय लोगों ने जीवन निर्वाह के लिए भोजन एकत्रित करने तथा शिकार करना छोड़कर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि कृषि जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोगों को एक जगह पर समुदाय के रूप में या छोटे गांव या छोटे कस्बे के रूप में रहने के लिए प्रेरित करना। 600 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार भी किए गए, जैसे बैल से चलने वाला हल है उसका आविष्कार किया गया, जिससे खेतों में बैल से हल चलाकर जुताई का जो कार्य है वो किया जाने लगा। इसी प्रकार पहियों से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार भी इसी युग में किया गया, पाल से चलने वाली नौका का आविष्कार भी किया गया, धातु का गलाना ताकि धातु गलाने के पश्चात में खेत में काम आने वाले बहुत सारे औजार है वो भी बनने प्रारंभ हो गए। सिंचाई का कार्य करना भी इसी युग में प्रारंभ हो गया था और साथ ही खेतों में पौधों को उगाना इत्यादि कार्य इस युग में प्रारंभ हो चुके थे। इन आविष्कारों के कारण कृषि कार्य ज्यादा सघन तरीके से होने लगा तथा उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। जैसे ही इस तरह के आविष्कार हुए उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कृषि कार्य है उसमें लोगों का जो ध्यान है रुचि है वो बढ़ी और कृषि कार्य में उन्होंने अधिक सघन तरीके से कृषि की और उससे उत्पादन भी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उत्पादन बढ़ जाने से अर्थव्यवस्था में और भी अधिक सुधार होता गया, यानी कि जो कृषि कार्य में उत्पादन बढ़ा विभिन्न प्रकार के अनाजों का, उससे जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की उसमें भी और भी सुधार हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि जो कृषक समुदाय थे उनके पास खपत के पश्चात जो अनाज अतिरिक्त बचने लगा, तो उसके कारण से क्या हुआ कि समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों को अपनाया। उदाहरण स्वरूप हाथ से बनी वस्तुओं का उस समय निर्माण किया जाने लगा। कुछ लोग जो है व्यापारिक काम करने लगे, जो अतिरिक्त खाद्यान्न था उसको बेचना उन्होंने प्रारंभ किया और साथ ही कुछ लोगों ने समुदाय की जो अन्य व्यवस्थाएं थी उसका कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। किंग्सले डेविस के अनुसार 3000 ईसा पूर्व तक मिस्र, मेसोपोटामिया तथा भारत में कई नगरों का उद्भव हो चुका था। विश्व में प्रथम नगरीय क्रांति नील नदी की निम्न घाटी, फारस के खाड़ी के उच्च स्थानों पर स्थित डेल्टा प्रदेश तथा सिंधु मैदान के सिंचित स्थित कृषि क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। ये सभी नदी घाटी प्रदेश थे जहाँ प्रतिवर्ष जलोढ़ मिट्टी के जमाव व अनुकूल जलवायु दशाएं उपलब्ध होने के कारण प्रचुर मात्रा में कृषि उत्पादन होता था। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस युग में जितने भी नगरों का या आदिवासियों का विकास हुआ वो सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर पीने और सिंचाई के लिए और खेती के लिए मीठा जो पानी है आसानी से उपलब्ध हो जाता था, तो वो सारे के सारे क्षेत्र जो है वो नदी घाटियों के ही क्षेत्र थे। इस समय मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी में नगरीय उत्पत्ति के लिए समान सुविधाएं उपलब्ध थी। इस युग के नगरों को अध्ययन करने की दृष्टि से निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इस युग में भी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ उनको हम मोटे रूप में चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक है मेसोपोटामिया के नगर, नंबर दो है नील घाटी के नगर, नंबर तीन है सिंधु घाटी के नगर और चौथे में कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ विश्व के कुछ भागों में नगरों का विकास हुआ माना जाता है। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नगरीय विकास हुआ और उसके जो
फर्दर जो विकास है वो किस डायरेक्शन में गया, इसी चीज को इसमें दिखाया गया है। और इसका मुख्य कारण यहाँ माना गया है कि जो कृषि थी, कृषि उत्पादन उस समय होने लगा, उसको इसका मुख्य कारण माना गया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया के नगर। यह दजला एवं फरात नदियों के मध्य स्थित था और इसी क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था, जो वर्तमान में इराक में स्थित है। धरातल पर प्रारंभिक नगरीय जीवन का उद्भव फारस की खाड़ी के निकट जलोढ़ मैदान तथा दजला फरात नदियों के दोआब क्षेत्र में हुआ माना जाता है। यह उपजाऊ मैदान अर्धचंद्राकार आकार में फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया में विभिन्न नगरों का विकास 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके उत्तरी भाग को असीरिया, दक्षिणी भाग को सुमेर तथा पूर्वी भाग को बेबीलोनिया व अकाद के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों में बेबीलोन, अकाद, उर, इरेच, किस, निपुर आदि मुख्य नगर थे। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की जो स्थिति है वो मानचित्र पर कहाँ पर है और किस प्रकार से अपने को दिखलाई देते हैं। अब हम मेसोपोटामिया के एक जो महत्वपूर्ण नगर जिसको बेबीलोन के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बेबीलोन 2100 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की राजधानी बनने से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुका था। उस समय इस नगर की जनसंख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। 1770 ईसा पूर्व से 1595 ईसा पूर्व तक यह विशालतम नगर बना रहा, यानी कि उस समय इसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख थी और उस समय के अनुसार ये बहुत ही बड़ा नगर था। इस नगर का विन्यास वैदिक नगरों के समान था, यानी कि इसकी जो बसावट थी वो वैदिक नगरों के समान ही मानी गई है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बेबीलोन जो है उसकी स्थिति क्या है, और साथ ही बेबीलोन में जो हैंगिंग गार्डन जो है उसकी भी फोटो यहाँ पर दिखलाई गई है। इसका जो आकार था वो आयताकार था और यह लगभग 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। फरात नदी के पूर्वी तट पर मुख्य भवन स्थित थे, जो दोहरे परकोटे से घिरे हुए थे, यानी कि जो मुख्य भवन जो है उसके डबल परकोटा जो है वो चारों ओर बना हुआ था। विश्व के प्रमुख आश्चर्य में से एक झूलते उद्यानों की स्थिति नगर के उत्तरी भाग में किले के निकट स्थित थी। नगर के परकोटे के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से खाई भी बनाई जाती थी, यानी कि उस समय सुरक्षा का जो मुद्दा था बहुत ही अहम होता था। तो उस लिहाज से नगर के चारों ओर परकोटा तो बनता ही था, लेकिन परकोटे के बाहर भी गहरी खाई बनाई जाती थी ताकि दूसरे लोग जो है उस कस्बे पे आक्रमण न करें, और आक्रमण करें तो खाई और जो परकोटा है वो उससे उसकी सुरक्षा या रक्षा प्रदान करता था। ऐसा माना जाता है कि यह नगर 2075 ईसा पूर्व तक आबाद रहा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं बेबीलोन का जो है मैप। और इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस टॉपिक से संबंधित आगे का जो भाग है इसी टॉपिक के भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको जरूर देखें। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। थैंक यू।